तुमसे गलत सॉल्व हो तो उसमें खुश हो जा। फिर कैसी बातें कर रहे हो? हां तू रोया मत कर, परेशान मत हुआ कर, अगर तेरे से कोई सवाल गलत सॉल्व हो जाए ना तो तू खुश हो जाया कर। अच्छा इसका मतलब मैंने जो पढ़ा था, मैंने जो सीखा था, उसमें थोड़ी कमी है। ये सवाल मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, मतलब मेरे सोचने के तरीके में, कंसेप्ट को लगाने में या कंसेप्ट समझने में कहीं चूक हुई है। चलो मैं सीख लेता हूं कहां चूक हुई है। और ये तो अच्छी बात है, तुमने एक सवाल सही सॉल्व कर लिया। तो क्या सर, जो हमने सीखा था वो ठीक है? हां तो इसमें यूजफुल क्या हुआ? वो तुम्हें आता था, इसमें फायदा कहां हुआ? बेटा तुम बैठने वाले हो नीट में, और नीट में जो 3 घंटे का समय मिलेगा ना, उसमें तुम्हें सबसे बेहतरीन करना है, और उसमें कोई गलती ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम अभी इनफाइनाइट गलती करो, इनफाइनाइट गलती करो, जितनी मर्जी, जितनी गलतियां हो रहा है ना होने दो, लेकिन एक गलती को रिपीट मत करो और उससे सीखो। हर गलती से तुम सीखते जाओगे ना, हर गलती से तुम सीखते जाओगे ना, तुम्हारा कंसेप्ट अपने आप बिल्डअप होता जाएगा। तुम्हारे में दिक्कत पता है क्या है? एक गलती हुई उसको लेके रोने लग जाते हो, मेरे से गलती हो गया, मेरे से नहीं होगा, मैं एकदम बेवकूफ हूं, मैं डिप्रेस्ड हो गया। भाई साहब इतना तुम्हारा लिमिट इतना कमजोर है, बैरियर पोटेंशियल तुम्हारा कितना कमजोर है साहब, तुरंत से तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, तुरंत से रोने लग जाते हो। तुम्हारा ग्रोथ इसीलिए नहीं हो रहा कि हर गलती पे तुम रोने लगते हो। हर गलती पे खुश होना सीखो, हर गलती पे खुश होना सीखो, हर गलती पे तुम मोटिवेट हो जाओ। अच्छा बेटा अच्छा, मतलब मैंने कुछ पढ़ा था उसमें कमी थी, अब इसको मैं ठीक कर लूंगा। एग्जाम में 45 सवाल अगर आते हैं उसमें से तुम 30 कर लेते हो तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, वो तुम्हें आता था, तुमने कर लिया। तुमने जो 15 नहीं किए वो क्यों नहीं हुए? या तो तुमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, या तो रिवाइज नहीं हुआ, या तो तुमने कुछ सोचने में गलती करी,